ये सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। सड़क निर्माण के बाद फिर हुआ गड्ढों का जन्म। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नवी मुंबई की सड़कें क्यों है बदहाल? बेहतर सड़कों के निर्माण में क्या मुख्य शहर अभियंता संजय देसाई हुए नाकाम? आज इन्हीं तमाम सवालों ने नवी मुंबई की जनता का जीना बेहाल कर दिया है और कारण है 21वीं सदी के इस आधुनिक नगरी की यह सड़कें, जो अब सड़कें नहीं तो गड्ढों में तब्दील हो गई है। जून के महीने में बारिश तो नहीं हुई, मगर जुलाई में भारी मानसून के दस्तक देते ही बाहर से खूबसूरत दिखने वाली इन सड़कों की अब सूरत ही बदल गई। 6 से 8 महीनों पहले ही नवी मुंबई मनपा के अभियंता विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर समूचे नवी मुंबई में सड़कों के डांबरीकरण कामों को अंजाम दिया था, जो बाहर से मखमली रजाई सी लग रही थी, मगर मनपा की तिजोरी पर ताव मारने के नाम पर घटिया दर्जे के काम को अंजाम देकर इन सड़कों को वाहनों के दौड़ने लायक तक नहीं छोड़ा। ये इलाका है सीवुड्स का। यूं तो सीवुड्स नवी मुंबई के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, मगर गड्ढों से भरपूर इस पॉश इलाके की सड़कों ने सीवुड को दागदार करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जब इस सिलसिले में हमने मुख्य शहर अभियंता संजय देसाई से बात करनी चाही तो महाशय मात्र हमारा फोन काटने में ही अपनी भलाई समझ बैठे, मगर क्यों इन महाशय को शहर की सड़कों का हाल और करदाताओं की परेशानी समझ नहीं आती? ए भाई, जरा देख के चल। जी हाँ, कुछ यही हाल है नवी मुंबई में, जहाँ सड़कों पर हर बार की तरह इस बार भी गड्ढों ने जन्म लिया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अब फिर से सड़कें बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है, मगर बावजूद अभियंता विभाग से लेकर प्रशासन को इन तमाम बातों की तनिक भी चिंता नहीं है। ऐसे में क्या इस आधुनिक नगरी में सड़कें सुधरने का नाम लेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।